तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शाजमा, तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने कहने के हम रिश्ता लेकर जाएंगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। सच बोल रही हूँ मैं, हम रिश्ता लेकर जरूर जाएंगे। भाई वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बहन शाजमा को, उसने कितनी आसानी से तुम्हारी माँ को मना लिया, वरना वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप मेरी कोई बात सुनेंगी तो समझेंगी ना। ना मुझे कोई बात सुननी है और ना ही समझनी है। वो लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। बात इससे पहले कि तुम्हारी माँ का दिमाग फिर घूम जाए और वो अपनी बात से मुकर जाए, हमें ये रिश्ता जल्द से जल्द फाइनल कर लेना चाहिए। एक मिनट मैं फोन सुन लूँ जरा। हाँ भाई। अम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अकल की बात करी, अकल से काम में आपकी फायदे की बात है। अपने बेटे की पसंद को घर लेकर आ जाऊं ताकि वो मेरे हाथों से बिल्कुल ही निकल जाए, मेरे घर का माहौल बिगड़ जाए, ये फायदा है मेरा? मैं एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रही हूँ, आप बात तो सुन ले मेरी। मैंने नीचे सबके सामने बता दिया है कि भाई किसी को पसंद करते हैं, मामू के घर हम रिश्ता नहीं कर सकते, ये रीजन बहुत होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर अब्बू रिदा का रिश्ता लेने जाते हैं तो एक महीने में इन दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं और आप रिश्ता लेकर जाए तो सिचुएशन भी बदल सकती है और इनकार भी हो सकता है। हेलो जी रान साहब। व्हाट, सॉफ्टवेयर हैंग हो गया? मैं चेक करती हूँ। नहीं नहीं डोंट वरी, मैं अभी करती हूँ, मैं कर रही हूँ। जी जी जी, अल्लाह हाफिज़।